हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। जीडी कोचिंग क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों में, ग्रुप में, सब में शेयर कीजिएगा। एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी काम को कर मतलब 20, 30 एवं 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए दो आदमी और 8 औरतें के साथ कितने लड़के काम पे लगाए जाए ताकि काम 2 दिन में पूरा हो जाए। दोस्तों, कितने दिन में पूरा हो जाना चाहिए कार्य, 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं एक आदमी, एक मैन, एक औरत, वुमेन, और एक लड़का, एक बच्चा किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में इस कार्य को कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर एक आदमी 20 और एक औरत 30 और एक बच्चा 60 दिन में किसी कार्य कर सकता है, तो टोटल कार्य कितना रहेगा? टोटल कार्य 60 रहेगा। दोस्तों, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक आदमी 60 कार्य को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगा? तो दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक दिन में 3 कार्य कर लेगा। इसी प्रकार अगर एक औरत 60 कार्य को 30 दिन में कर लेती है, तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगी? तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 कार्य कर लेगी। और एक बच्चा 60 कार्य को 60 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगा? एक कार्य कर लेगा। दोस्तों, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि तो बताइए दो आदमी और 8 औरतों के साथ, 8 औरतों के साथ कितने बच्चे काम पर लगाए जाएं, कितने बच्चे काम पर लगाए जाए ताकि काम जो कार्य था वो कितने दिन में समाप्त हो जाना चाहिए? 2 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे पास टोटल कार्य कितना है? 60 है। इस 60 को हमें कितने दिन में समाप्त करना है? 2 दिन में समाप्त करना है। तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? हम यहाँ से कह सकते हैं एक दिन में 30 कार्य कर लेंगे। पहले दिन हम 30 कार्य कर लेंगे, अगले दिन 30 कार्य कर लेंगे, तो हमारा कार्य 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक आदमी एक दिन में 3 कार्य करता है, तो दो आदमी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? तो दो आदमी मिलकर एक आदमी एक दिन में 3 कार्य करता है, तो दो आदमी मिलकर कितना कार्य कर लेंगे? तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं 6 कार्य कर लेंगे। इसी प्रकार एक औरत एक दिन में 2 कार्य करती है, तो 8 औरतें मिलकर कितना कार्य कर लेगी? एक दिन में कितना कार्य कर लेगी? एक औरत अगर 2 कार्य करती है, तो 8 औरतें मिलकर इस कार्य को इतना कर लेगी। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं टोटल टोटल कितना कार्य हो गया? 22 कार्य हो गया। तो एक दिन में 30 कार्य कर सकते हैं और इन्होंने मिलकर 22 कार्य कर लिया, तो शेष कार्य कितना बच गया? हम यहाँ से कह सकते हैं 8 कार्य बच गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर एक बच्चा एक दिन में एक कार्य कर लेता है, एक बच्चा एक दिन में एक कार्य कर लेता है, तो हमें कितने बच्चे लगाए जाए कि एक दिन में 8 कार्य हो जाए? कितना कार्य हो जाना चाहिए? 8 कार्य हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं अगर एक बच्चा एक दिन में एक कार्य करता है, तो हमें 8 बच्चों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं हमें कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? 8 बच्चों की आवश्यकता होगी। तो पहले दिन हमारा टोटल कितना कार्य हो जाएगा? 30 कार्य हो जाएगा। अगर एक बच्चा एक दिन में एक कार्य कर लेता है, तो टोटल 8 कार्य बचा है, तो 8 बच्चे मिलकर 8 कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं पहले दिन भी हमारा कितना कार्य हो जाएगा? 30 कार्य हो जाएगा। और अगले दिन कितना हो जाएगा? 30 कार्य हो जाएगा। तो 2 दिन में टोटल कितना कार्य हो जाएगा? 60 कार्य कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम 8 बच्चे लगाते हैं तो। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं हमें कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? 8 बच्चों की आवश्यकता होगी। यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा।